उरानीपुर से शनिवार को शासन की मंशा अनुसार तहसील समाधान दिवस का आयोजन तहसील परिसर में किया गया, जिसमें अतिक्रमण, राजस्व संबंधी, पुलिस से संबंधित प्रार्थना पत्र आए। सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं एक सप्ताह के अंदर निस्तारण कर वापस करें। 24 सितंबर से लगने वाले जल विहार मेले में स्वीट नाइट कार्यक्रम निरस्त करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। क्या नाम है इनका? छोटू। कहाँ के निवासी हैं? आटा। कौन है आटा? आटा ऊंचा सांकन के पास। सांकन के पास जी। इधर पूंछ में क्या करने आए थे भाई? सुबह 5 बजे से आए। सुबह 5 बजे। इधर क्या रिश्ते में रिश्तेदारी? रिश्तेदारी तो है, मगर उनके यहाँ नहीं गए रिश्तेदारी। किधर है रिश्तेदारी? बड़ेरा में, सब जगह रिश्तेदारी है अपनी। हाँ जी। इधर रेलवे क्रॉसिंग पे क्या कर रहे हैं? क्या पता भैया। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होगी? पता नहीं, मतलब नहीं है, 18-19 साल की। और जी हाथ पे तो नाम लिखा है कुछ? पता नहीं किनका लिखा है, बच्चा है भैया, हम इतने पढ़े लिखे। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। कैसे घटना हो गई? ये सर, हम सुबह गए अपने दुल्हन को दिखाने पिताजी माता जी। ये सुबह 6-7 बजे यहाँ से चला गया, तो हमने सोचे कहीं गया होगा। और इसके बाद हम 5 बजे घर पे पहुँचे, हमारा फोन स्विच ऑफ था, तो बाद में हमने फोन चार्ज पे लगाया, तो हमने दुल्हन से कहा फोन खोलने, कोई किसी का फोन आया, स्विच ऑफ है फोन। जैसे हमने फोन खेला यहाँ से, हल्के फोन पहुँच गया। बोला हम जी कहाँ कहाँ गए थे? ये सुबह किसी बता के नहीं गए, सुबह इनसे क्या गए कि हम जा रहे हैं घर से। तो हम साहब लखनऊ से आए अपनी दुल्हन को लेकर, तबीयत खराब थी, अपने पापा को इसको दिखा रहे जी। कुछ काम करते थे क्या? ये साहब लखनऊ में बता से हम लोग काम करते थे। अच्छा, घर से कैसे खड़े हैं जी? ये साहब गाड़ी लेके निकले सवेरे, मम्मी मुझे कहाँ बोला, मैं यहीं जा रहे हैं, ये कहा बस हमने से। कहाँ के निवासी हो? हम लोग ग्राम अटा। अटा। खाना कौन सा लगता है? समथा।